दोस्तों आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो हम आयु पढ़ रहे थे कक्षा 12 में, और आयु में हमने 3.1 कंप्लीट कर ली थी, 3.2 कर ली थी, और 3.3 के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो 3.3 का छठा क्वेश्चन करते हैं। तो छठा क्वेश्चन में ए कोई आयु आपके पास कोस साइन साइन कोस, ठीक है, और सिद्ध करना ए डैश और ए का गुणा क्या होता है आई, और आई आपको क्या बताया था, तत्समक आयु बताया था, तत्समक आयु 1001, या फिर आप इसे इकाई आयु भी बोल सकते हो। तो करते हैं भाई, पहले ए डैश निकालना है। तो ए डैश ए का ट्रांसपोज, ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज किस प्रकार निकालते हैं, तो क्या बताया था कि कोई आयु है, आयु ए आपके पास माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ठीक है भाई, ए आपके पास, अब ए आपके पास ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज में क्या कर देते हैं, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये रहा स्तंभ, पंक्ति बना दो, तो कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा। अब ये दूसरा स्तंभ आपके पास, तो दूसरी पंक्ति बना दो, साइन एल्फा कोस एल्फा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि ए का ट्रांसपोज किस प्रकार निकालते हैं, स्तंभ को पंक्ति और पंक्ति को स्तंभ बना दो, तो ए का ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, ए डैश और ए का गुणा करना है, ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज और ए का क्या करना है, गुणा करना है आपको। तो गुणा बताया हुआ है, ये रहा ए डैश क्या आपके पास कोस एल्फा अभी निकाला था, माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा और कोस एल्फा, गुणा में क्या है ए, तो ये रहा आपके पास, उतारो कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। अब क्या कराना है, दोनों को गुणा कराना है। तो गुणा किस प्रकार बताया था आपको, गुणा में बताया था कि पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, तो पंक्ति को भाई स्तंभ से गुणा करो, ये आपको बताया हुआ है, तो जल्दी करो। तो कोस को कोस से गुणा किया, तो कोस स्क्वेयर एल्फा, और माइनस साइन प्लस साइन स्क्वेयर एल्फा। आगे कोस को साइन से किया, तो कोस एल्फा साइन एल्फा, और साइन को कोस से किया और चिन्ह प्लस माइनस माइनस, तो साइन एल्फा कोस एल्फा, ठीक है। अब साइन को कोस से किया, साइन को कोस से करो, तो साइन एल्फा कोस एल्फा, और कोस को साइन से किया, आगे कोस को साइन से किया, तो माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, आगे साइन को साइन से किया, तो साइन स्क्वेयर एल्फा, और कोस को कोस से किया, तो कोस स्क्वेयर एल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हो कोस स्क्वेयर एल्फा प्लस साइन स्क्वेयर एल्फा का मान एक होता है, तो एक लगाना है, और ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का माइनस का कट जाएगा। तो ए डैश ए आपके पास आ गया 1 0 0, और साइन स्क्वेयर एल्फा कोस स्क्वेयर एल्फा का मान एक होता है, तो ये 1 2 गुणा 2 कोटि, और ये क्या आपके पास आई है, इकाई अवयव है, तो ये आ गया आपके पास आई। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ए डैश ए का गुणा क्या होता है, हमेशा आई होता है, ठीक है भाई, हो गया। अब आगे इसका दूसरा पार्ट, तो दूसरे पार्ट में क्या करना है, ए डैश निकालना है। अब की बार अवयव ये रहा ए बराबर साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा, ए डैश निकाल सकते हो, पंक्ति को स्तंभ में बदलना है और स्तंभ को पंक्ति में, ए आपके पास है, दोनों को गुणा कराना है जिस प्रकार इसे गुणा कराया पंक्ति से स्तंभ के, और आपके पास इसका मान आई आ जाएगा। तो इसका दूसरा पार्ट आप खुद कर सकते हो, तो आप करना और कमेंट में आंसर बताना। तो अब करते हैं सातवां क्वेश्चन। तो सातवें क्वेश्चन में ए कोई अवयव आपके पास, और आपको सिद्ध करना है कि ए सममित अवयव है। तो सममित अवयव की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था, यदि ए का ट्रांसपोज करूं और वापिस ए आ जाए, तो अवयव ए क्या होता है, सममित अवयव होता है, ठीक है भाई, परिभाषा से हम ये जानते हैं। तो सममित अवयव के लिए पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज किस प्रकार निकालते हैं, अवयव आपके पास कोई क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदलना है, ये रहा आपके पास 3 × 3 कोटि का अवयव। तो ट्रांसपोज निकाला, तो क्या किया, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, तो बदलो भाई, ये रहा स्तंभ, पंक्ति बना दो 1 − 1 = 5, ये रहा स्तंभ, इसकी भी पंक्ति बना दो −1 = 2 और 1, और तीसरी स्तंभ की पंक्ति बनाई, तो ये आ गया आपके पास 3 × 3। अब देखो भाई, ये रहा, ये वापिस ए आ रहा है क्या,
एक एक माइनस एक पाँच पाँच, ठीक है भाई, माइनस एक दो दो, एक एक पाँच एक तीन, क्या ये ए के बराबर है? हाँ भाई, यही ए था, यही ए था, और ए का ट्रांसपोज किया तो वापस हमारे पास, यदि ए का ट्रांसपोज किया तो वापस हमारे पास ए आ रहा है, तो ये सिद्ध होता है कि ए क्या एक सममित आव्यूह है, अतः ए एक सममित आव्यूह है, सिद्ध हो गया, कर सकते हो आप, सममित आव्यूह है, ठीक है, इस प्रकार का सवाल कर सकते हो। सममित आव्यूह पूछे तो ट्रांसपोज करना है, करना कुछ नहीं है, यदि ट्रांसपोज एक के बराबर आता है तो सममित है, नहीं तो सममित नहीं है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, ए कोई आव्यूह है और सिद्ध करना है कि ए एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह में मैंने आपको क्या बताया था कि विषम सममित आव्यूह में यदि ए का मैं ट्रांसपोज करूं और माइनस ए प्राप्त हो जाए, यदि ए का ट्रांसपोज करूं और माइनस ए प्राप्त हो जाए तो आव्यूह किस प्रकार का आव्यूह कहलाएगा? विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। तो भाई ए का ट्रांसपोज करो तो ए आपके पास जीरो एक माइनस एक माइनस एक जीरो एक एक माइनस एक जीरो, इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करो, ये रही पंक्ति, स्तंभ बदल दो जीरो एक माइनस एक, ये पंक्ति स्तंभ बदल दो माइनस एक जीरो एक, ये रही पंक्ति स्तंभ में बदला तो ये आ गया आपके पास। अब क्या करना है? माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, जीरो एक माइनस एक माइनस एक जीरो एक एक माइनस एक जीरो, तो प्लस के थे वो माइनस के हो गए और माइनस के थे वो प्लस के हो गए। ये देखो ए आ रहा है वापस, हाँ भाई ए आ रहा है, तो ए की पावर टी किसके बराबर है? माइनस चिन्ह, ये रहा माइनस चिन्ह कॉमन लिया हो, ये माइनस चिन्ह और ये क्या आपके पास ए, ए यानी ए की पावर टी, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, तो यदि आपके पास ए का ट्रांसपोज किया और माइनस ए प्राप्त हो गया तो आव्यूह किस प्रकार का आव्यूह होगा? विषम सममित आव्यूह होगा, अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है, कर सकते हो आप। हाँ भाई, सममित का पूछे तो ए का ट्रांसपोज ए आएगा और विषम सममित का पूछे तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए आएगा। तो ये रहा इसका पहला पार्ट, ये रहा इसका दूसरा पार्ट। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, तो करते हैं आठवां क्वेश्चन। ए कोई आपके पास दो गुणा दो पट्टी का आव्यूह है और हमें सिद्ध करना है ए ओ प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, यानी ए और ए का ट्रांसपोज का क्या करना है? हमें योग करना है और सिद्ध करना है कि ये क्या एक सममित आव्यूह है। तो माना, मान लो बी, बी बराबर क्या आपके पास? ए प्लस ए डैश है, ठीक है, ए प्लस ए डैश हमें क्या सिद्ध करना है? सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो ए और ए डैश का योग मैंने मान लिया बी है, चलो भाई अब जोड़ते हैं, तो बी बराबर क्या आएगा? ए, ए आपके पास क्या है? एक पाँच छ सात, ठीक है, और ए का ट्रांसपोज करो तो पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, तो एक छ और पाँच सात, क्या क्या मैंने ये स्तंभ रहा पंक्ति बना दी, ये स्तंभ रहा पंक्ति बना दी, कोटि क्या? दो गुणा दो कोटि। अब जोड़ते हैं, ए और ए का ट्रांसपोज निकाला है, ये ए था, ये ए का ट्रांसपोज था, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति, जोड़ो भाई कितना आया? एक और एक दो ग्यारह, छ और पाँच ग्यारह, सात और सात चौदह, तो ये आपके पास आ गया बी एक आव्यूह, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? इसे सिद्ध करना है कि ये एक है सममित आव्यूह है, क्या सिद्ध करना है? कि ये एक सममित आव्यूह है, तो बी का ट्रांसपोज करूँ मैं यदि, तो बी का ट्रांसपोज दो ग्यारह और ग्यारह चौदह, ठीक है, ये पंक्ति थी मैंने स्तंभ बना दिया, ये दूसरी पंक्ति ये दूसरा स्तंभ, ट्रांसपोज बना दिया, तो बी का ट्रांसपोज करने के पास मेरे पास वापस बी आ रहा है, देखो दो ग्यारह ग्यारह चौदह बी आ रहा है, ठीक है भाई बी आ रहा है। तो हमने पढ़ा था यदि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करे और वही आव्यूह वापस प्राप्त हो जाए तो आव्यूह किस प्रकार का आव्यूह होगा? सममित आव्यूह होगा। तो अतः ए प्लस ए की पावर टी, यानी ए प्लस ए की पावर टी या ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए का ट्रांसपोज क्या होगा? सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह है, सिद्ध हो गया, कोई बात नहीं, हो गया सिद्ध भाई, आव्यूह है। अब इसका करते हैं दूसरा पार्ट, तो ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश सिद्ध करना है कि एक विषम सममित है, क्या है? एक विषम सममित, और विषम सममित में क्या पढ़ा था? यदि कोई आव्यूह है, मान लो बी कोई आव्यूह है और उसका ट्रांसपोज करे और माइनस बी प्राप्त हो जाए हमारे पास तो आव्यूह किस प्रकार का आव्यूह होगा? आव्यूह विषम सममित आव्यूह होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मान लो बी बराबर क्या है आपके पास? ए माइनस ए डैश, ठीक है, ए आपके पास क्या है? ए आपके पास है एक पाँच छ सात,
और ए का ट्रांसपोज करो भाई, ए का ट्रांसपोज ए डैश का मतलब, तो ट्रांसपोज किया तो पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति, ये स्तंभ था पंक्ति बना दी, ये पंक्ति ये स्तंभ, ठीक है। तो बी बराबर आपके पास आ जाएगा, एक में से एक गया जीरो, माइनस एक, छः में से पाँच गया एक, सात में से सात गया जीरो, आपके पास क्या गया जीरो माइनस एक, एक जीरो, दो गुणा दो कोटिगा। अब क्या करना है इसका ट्रांसपोज करना है, अब क्या करना है इसका ट्रांसपोज करना है, तो बी का ट्रांसपोज करो भाई, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, बदल दिया दो गुणा दो, माइनस चिन्ह कॉमन लो, बी के पावर टी माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो जीरो माइनस एक, एक जीरो, क्या वापिस बी प्राप्त हो रहा है आपके पास, ये देखो वापिस बी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह बी लिख सकता हूँ मैं, माइनस चिन्ह और बी, क्या आपके पास ये प्राप्त हो गया बी का ट्रांसपोज बराबर माइनस बी, हाँ भाई प्राप्त हो गया। तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो अवयव किस प्रकार का अवयव होगा, अवयव एक विषम सममित अवयव होगा, अतः विषम सममित अवयव है ए माइनस ए का डैश, क्या एक विषम सममित अवयव है, सिद्ध हो गया, ठीक है भाई। तो हमेशा याद रखना a प्लस ए का डैश क्या होता है, एक सममित अवयव, और a माइनस ए का डैश हमेशा क्या होता है, एक विषम सममित अवयव होता है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, तो अब करते हैं नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन में आपके पास a कोई अवयव है और क्या कह रहे हैं एक बटा दो ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश अभी हमें ज्ञात किया था पिछले क्वेश्चन में, उसी प्रकार अब करेंगे, तथा एक बटा दो ए माइनस ए डैश आपको ज्ञात करना है। तो a ये रहा, ए का ट्रांसपोज निकालो भाई, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदलो, ये रहा स्तंभ पंक्ति बना दो, जीरो माइनस ए माइनस बी, पंक्ति बनी जीरो और माइनस सी, इसे भी पंक्ति बना दो बी सी जीरो, तो ये आ गया ए का ट्रांसपोज, और ये आपके पास क्या है ये रहा अवयव, ठीक है भाई। पहला पार्ट क्या कह रहा है इसका, एक बटा दो ए प्लस ए डैश, यानी ए और ए डैश को जोड़ना है और दो का भाग देना है, तो ए और ए डैश को जोड़ो भाई, क्या आएगा आपके पास, ए क्या आपके पास जीरो, ए बी माइनस ए जीरो और सी, आगे माइनस बी माइनस सी जीरो, ये रहा ए आपके पास, हाँ भाई ए ये रहा, प्लस ए डैश क्या आपके पास जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो, ठीक है। पहले इनको जोड़ते हैं और बाद में एक बटा दो से गुणा करते हैं या फिर दो का भाग देते हैं, ठीक है। तो भाई जोड़ो, एक बटा दो क्या है जोड़ने पर, जीरो से जीरो जीरो, एर ए, ए में से ए गया तो जीरो, आगे बी में से बी गया तो जीरो, माइनस ए प्लस ए जीरो और जीरो, और ये सी प्लस का ये माइनस का जीरो हो गया, यहाँ पर भी जीरो होगा, और माइनस बी प्लस बी जीरो, माइनस सी प्लस सी जीरो, और जीरो जीरो जीरो, तो एक बटा दो का जीरो में भाग दिया तो क्या आएगा आपके पास उत्तर, तो जीरो आएगा, जीरो जीरो जीरो, ठीक है भाई। कोटी तीन गुणा तीन, तो ये आ गया आपके पास ओ एक शून्य अवयव, क्या आ गया आपके पास एक शून्य अवयव, शून्य अवयव आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसका मान क्या है आपके पास, एक बटा दो ए प्लस ए डैश का मान आपके पास क्या है, शून्य अवयव आ गया आंसर। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट करते हैं भाई, तो अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट, एक बटा दो ए माइनस ए डैश, तो ए आपके पास क्या है ये रहा ए डैश क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति, जीरो माइनस ए माइनस बी जीरो, ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो, क्या किया पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, कोटी क्या आपके पास तीन गुणा तीन। अब क्या करना है ए में से ए डैश घटाना है, ए डैश माइनस ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, और बट्टे में एक बटा दो चल रहा है चलने दो, एक बटा दो, ए आपके पास क्या है ये रहा जीरो, ए बी माइनस ए जीरो, सी माइनस बी माइनस सी और जीरो, तीन गुणा तीन, माइनस माइनस में क्या आपके पास ए डैश, तो ए डैश ये रहा घटाओ भाई, जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी और आपके पास है बी सी जीरो, तो घटाओ, एक बटा दो चल रहा है चलने दो, जीरो में से जीरो गया जीरो, ए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ए ए टू ए, माइनस माइनस प्लस बी बी टू बी,
आगे माइनस ए माइनस ए माइनस टू ए, जीरो प्लस जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, सी माइनस माइनस प्लस सी तो टू सी। आगे माइनस बी माइनस बी माइनस टू बी, माइनस सी माइनस सी माइनस टू सी, और जीरो जीरो जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, ये आ गया तीन गुना तीन कोटि का आपके पास आयु। अब क्या करना है, दो का भाग देना है, तो आयु में दो का भाग दो भाई, एक बट्टा दो, ये आयु था आपके पास जीरो, टू ए टू बी माइनस टू ए, जीरो टू सी माइनस टू बी माइनस टू सी और जीरो, ये आपके पास आयु था, और एक बट्टा दो चल रहा है तो दो का भाग दो, प्रत्येक एलिमेंट से दो, एक बटा दो गुणा होगा या फिर दो का भाग दो एक ही बात है। तो भाई आपके पास क्या गया, जीरो ए बी माइनस ए, जीरो सी बी माइनस सी और जीरो, तीन गुणा तीन कोटि। तो मान क्या है आपके पास, एक बटा दो ए माइनस ए डेस का मान आपके पास ये आ गया, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसका मान क्या है आपके पास, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, तो ये अवयव हमें प्राप्त हुआ। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, अब अगला दसवां क्वेश्चन, तो दसवां के चार पार्ट है, पहला पार्ट करते हैं, अवयव को सममित अवयव व विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखो। अवयव है आपके पास, मान लो ये एक अवयव है ए, इसे सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है। तो किस प्रकार सिखाया था, ए बराबर एक बटा दो ए प्लस ए डेस, यानी ए और ए का ट्रांसपोज को जोड़ना और दो का भाग देना है, प्लस एक बटा दो ए माइनस ए डेस। तो सममित और विषम सममित के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो पहले क्या करना है, ये निकालना है आपको और ये निकालना है, और बाद में क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, बराबर किसके आएगा, ए के बराबर आएगा। तो भाई लिखो, तो ए बराबर एक बटा दो ए प्लस ए डेस प्लस एक बटा दो ए माइनस ए डेस। ठीक है, ये सममित अवयव होता है, हमें पता है ए प्लस ए डेस सममित अवयव होता है, ये रहा सममित अवयव, और ये हमेशा विषम सममित अवयव होता है, ये हमेशा विषम सममित होता है। तो दोनों के सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखो भाई, ए बराबर आपके पास एक बटा दो ए, ए आपके पास क्या है, तीन पाँच एक माइनस एक, प्लस एक ए डैश के आपके पास, एक का ट्रांसपोज कर दो, तीन एक माइनस पाँच और माइनस एक, ट्रांसपोज कर दिया, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया। ठीक है भाई, आगे प्लस एक बटा दो चल रहा है, चलने दो, एक है आपके पास तीन पाँच एक और माइनस एक, आगे ए डैश के आपके पास घटाना है, तो ए डैश के आपके पास तीन एक पाँच और माइनस एक, ये लो भाई एक बटा दो, ए में से ए डैश घटा दिया, ए माइनस ए डैश और ए में ए डैश जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए बराबर आपके पास एक बटा दो, तो जोड़ा तो तीन तीन छः छः, ये हो गया आपके पास छः और माइनस दो, प्लस में एक बटा दो चल रहा है, अब की बार घटाना है तो जीरो चार, ये हो गया आपके पास एक में से माइनस पाँच गए तो माइनस चार माइनस तो जीरो, तो ये आपके पास आ गया ए माइनस ए डैश। अब इसको सोल्व करो, तो ए बराबर सोल्व किया तो भाग दो भाई, तीन 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 और माइनस एक, दो का भाग दे दिया, प्लस इसमें भी दो का भाग दे दो तो जीरो, दो माइनस दो और जीरो। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो ए बराबर जोड़ो, ए बराबर आपके पास तीन, आगे तीन में दो पाँच माइनस एक आ गया, तीन में से दो गया एक माइनस एक, ये आ गया माइनस एक, क्या वापिस ए आ रहा है, हाँ भाई, यदि मैं आरएचएस सोल्व कर रहा हूँ, आरएचएस सोल्व कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, एलएचएस आ रहा है। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, सममित और विषम सममित के योग के रूप में, ये लो ये क्या होगा, ये सममित अवयव होगा और ये विषम सममित अवयव होगा, तो ये हो गया आपका आंसर। करना कुछ नहीं है, पहले आरएचएस लेनी है, आरएचएस को सोल्व करके वापस ए लेकर आना है। तो किस प्रकार लिख सकते हो आप, एक बटा दो ए प्लस ए डैश प्लस एक बटा दो ए माइनस ए डैश, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, इसका पार्ट वन हो गया। आप पार्ट टू आपको नीचे दिख रहे हैं, तो पार्ट टू आप खुद करोगे, पार्ट थ्री खुद करोगे, और पार्ट चौथा आप इसका पार्ट चौथा आप खुद करोगे, और कमेंट में मुझे बताओगे कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, करते हैं ग्यारह क्वेश्चन और बारह क्वेश्चन, दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है,
तो यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आयु है तो हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, ठीक है, एक विषम सममित आयु है या फिर सममित आयु है, एक शून्य आयु है या फिर तत्समक आयु है। तो सिद्ध करते हैं, हम पहले सममित और विषम सममित के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो भाई इसका क्या कर दो, आप ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज में क्या सिखाया था, इसका ट्रांसपोज अलग, इसका ट्रांसपोज अलग, ए बी का ट्रांसपोज अलग और माइनस बी ए का ट्रांसपोज अलग, ठीक है, ये बात बताई हुई है आपको। हाँ भाई बताई हुई है। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी ए डैश ए डैश, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश और बी डैश, ये होता है ट्रांसपोज, ठीक है। आगे बी का ट्रांसपोज किया तो क्या आया, बी, और ए का ट्रांसपोज किया तो ए, माइनस ए का ट्रांसपोज किया तो ए और बी का ट्रांसपोज किया तो बी, तो आपके पास क्या आया, बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी। यदि मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ, यदि मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ तो ए बी माइनस बी ए बन जाएगा, ए बी माइनस बी ए, यानी इसको यदि मैं इस पूरे को मैं यदि सी मानूँ तो ये आपके पास इसका ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज क्या है आपके पास, माइनस सी आया। तो भाई यदि सी मानूँ और सी का ट्रांसपोज कर दूँ तो आपके पास माइनस सी आता है, तो ये किस प्रकार का आयु होगा, ये ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया तो हमारे पास प्राप्त हुआ माइनस ए बी माइनस बी ए, क्या प्राप्त हुआ, माइनस ए। यदि ए का मैं ट्रांसपोज करूँ और माइनस ए प्राप्त हो जाए तो किस प्रकार का आयु होता है, विषम सममित। तो यहाँ पर मैंने इसका ट्रांसपोज किया और माइनस माइनस में आयु प्राप्त हो गया, तो इसका ट्रांसपोज क्या है, माइनस ए, तो ये किस प्रकार का आयु होगा, ये विषम सममित आयु होगा। तो इसका पहला पार्ट सही होगा। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट, ए आपके पास कोई आयु है, अब हमें क्या करना है, ए प्लस ए डैश बराबर आयु दे रखा है, ए और ए का ट्रांसपोज का योग क्या दे रखा है हमारे पास, आई, आई क्या हमारे पास, इकाई आयु, इकाई आयु क्या बताया हुआ आपको, एक जीरो जीरो एक, ये रहा इकाई आयु। तो एल्फा का मान पूछा, एल्फा ये रहा भाई, ठीक है, तो ए और ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए रहा आपके पास कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा और कोस एल्फा, और प्लस प्लस में क्या है, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर दे भाई, पंक्ति को स्तंभ में बदल और स्तंभ को पंक्ति में, तो कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, ठीक है, दोनों का योग क्या है, बराबर में आई, आई का मतलब इकाई आयु, तो बराबर में इकाई आयु चल रहा है, एक जीरो जीरो एक, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ते हैं, तो जोड़ो भाई, कोस एल्फा और कोस एल्फा को जोड़ा तो टू कोस एल्फा, माइनस साइन एल्फा को साइन एल्फा से जोड़ा तो जीरो, और साइन एल्फा को माइनस साइन एल्फा से जोड़ा तो जीरो, और कोस एल्फा हो गया टू कोस एल्फा, बराबर में क्या चल रहा है, एक जीरो जीरो एक। तुलना करने पर समान आयु की तुलना की जा सकती है, तो टू कोस एल्फा एक के बराबर होगा, तो टू कोस एल्फा बराबर होगा एक, और एक यहाँ पर क्या गुणा में, उधर जाते ही बट्टे में आ जाएगा, कोस एल्फा बराबर एक बटा दो, तो कोस में एक बटा दो किसका मान होता है, कोस साठ का मान होता है, कोस एल्फा बराबर कोस पाई बाई थ्री, कोस साठ को इस प्रकार लिख सकते हैं पाई बाई थ्री, तो एल्फा का मान आ जाएगा पाई बाई थ्री, तो एल्फा कहाँ पर आपके पास, पाई बाई थ्री, ये रहा, तो इसका बी पार्ट सही होगा, तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो इस प्रकार आप 11 और 12 क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोस्तों अब हमारी कंप्लीट होती है पर्सनालिटी 3.3, तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।